The value of limit n tends to infinity within bracket n square upon n square plus 1 raised to the power 3 by 2 plus n square upon n square plus 2 raised to the power 3 by 2 and so on up to n square upon 2n square whole the power 3 by 2. तो इस तरह से एक हमें ब्रैकेट के अंदर कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी टर्म्स गिवन है और उसका हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो जब भी आपको इस टाइप के प्रॉब्लम आए तो ये एक फाइनाइट सम है, क्योंकि n पहले जैसे फर्स्ट टू टर्म, फिर थ्री टर्म्स, फिर फोर टर्म्स, तो ये एक फाइनाइट सम तक जाएगा. लेकिन n वेर n इन्फिनिटी तक जाएगा, फाइनाइट सम व्हेन n वेरीज फ्रॉम अप टू इन्फिनिटी. तो अगर n इन्फिनिटी तक जाए तो उसके जो फाइनाइट सम आए, जैसे कि फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू, फिर आपके फर्स्ट थ्री, फिर फर्स्ट नाइन, तो यहाँ पर जो ये नाइन या टेन या जो भी बता रहा है, ये बता रहा है फाइनाइट सम. और n कहाँ तक जा सकता है? आपका इन्फिनिटी, यानी कि बहुत बड़ा समेशन, एक तरह से समेशन में लिख सकते हैं इसको, फाइनाइट समेशन हम कह सकते हैं. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको समेशन की हेल्प से लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा. क्योंकि आप देखेंगे न्यूमरेटर में सभी टर्म का एन स्क्वेयर है और सभी के डिनोमिनेटर में एन स्क्वेयर प्लस, और यहाँ पर एक क्वांटिटी आनी है रेज टू द पावर 3/2, ये सभी का सेम है. तो आप देखेंगे 1, 2, तो ये इसमें ऐड होता जा रहा है. तो कहां तक ये ऐड हो रहा है? अप टू एन स्क्वेयर तक, ठीक है. तो यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह, और ये कहां तक जा रहा है? एन स्क्वेयर. तो एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर पहले से था और एन स्क्वेयर तक ये जा रहा है, तो इसका क्या हो गया? ये हो गया 2n स्क्वेयर. तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको एन स्क्वेयर. अब क्योंकि समेशन है, एन इसमें पहले से ही यूज किया गया है, तो एन तो अब मैं यूज नहीं कर सकता. तो अब एक तरह से एज ए वेरिएबल मैं कुछ और यूज करूंगा, तो मैं इसको आर चूज कर लेता हूँ. तो ये मैंने लिख लिया इसको आर स्क्वेयर, और आर कहाँ से वेरी कर रहा है? वो कर रहा है 1 से लेकर अप टू n तक. तो अब ये इस तरह से मैंने लिखा इसको. तो अगर मुझे इसमें क्या करना है, जब भी आपका समेशन फाइनाइट सम और उसके ओवर लिमिट लगा हुआ हो, तो आप उसको डेफिनेट इंटीग्रल के हेल्प से उसको कर सकते हैं. और डेफिनेट इंटीग्रल के हेल्प से करने के लिए यहाँ पर मुझे एन स्क्वेयर, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं स्क्वेयर या क्यूब, इसको मुझे आउटसाइड लेना पड़ेगा. तो इसको मैं आउटसाइड ले लेता हूँ सबसे पहले. तो इसको लिखता हूँ मैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 to n एन स्क्वेयर, और यहां से मैं क्या करता हूँ एन क्यूब आउटसाइड लेता हूँ. तो स्क्वेयर से तो ये स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जैसे मैंने यहां से क्यूब लिया तो ये आएगा एन स्क्वेयर का 3/2, एन स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2 मैंने आउटसाइड लिया. तो आउटसाइड लेने का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एन क्यूब मैंने आउटसाइड लिया. तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन क्यूब, और यहां पर बच गया 1 प्लस आर अपॉन एन होल स्क्वेयर और ये पावर 3/2. इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं. अब एन स्क्वेयर से ये पावर कट जाएगी तो एक पावर बचेगी, तो यहां पर मैंने वो लिख दिया 1 अपॉन n. तो अब ये क्या हो गया है? मेरा समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन एन स्क्वेयर, और इसकी होल स्क्वेयर है 3/2, और यहां से जो वो 1 अपॉन n बचा था वो ये लिख दिया मैंने, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो हम जब डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं तो समेशन को रिप्लेस करते हैं हम इंटीग्रल साइन से, 1 अपॉन n को रिप्लेस करते हैं हम dx से, और r अपॉन n को रिप्लेस करेंगे हम x से. और जो लोअर और अपर लिमिट है वो कहां से कहां तक जाएगी? वो 0 to 1 जाएगी. इसका पता कैसे करते हैं? लोअर तो हमेशा 0 ही रहता है, और अपर क्या रहेगा? आर मैक्स. आर मैक्स कितना है? आर मैक्स हमारे पास है n डिवाइडेड बाय n, तो यानी कि 1. तो यहां पर जो लोअर और अपर लिमिट है वो 0 to 1 है. तो इसको मैंने लिखा 0 to 1, और ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर,
और रेज टू द पावर 3 बाय 2 dx, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में ये जो ब्रैकेट है वो बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी आपका इस तरह का फॉर्म होता है तो सभी इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं, तो हम उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा थीटा, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू 1, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3 बाय 2 डीएक्स, और ये क्या हो जाएगा क्योंकि dx इक्वल टू ये होगा हमारा टेन का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और इसकी जो लिमिट्स होंगी वो कहां से कहां तक जाएगी, अगर x की लिमिट 0 है तो टेन की लिमिट कितनी होगी, वो भी 0 होगी, तो 0 टू, और x अगर 1 है तो टेन की पाई बाय 4। तो अगर मैं इसको थीटा के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ये होगा मेरा 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3 बाय 2। इस तरह से हमने इसको लिखा। अब सिर्फ हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, तो हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, इसको यूज करते हैं डिनोमिनेटर में यहां पर, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 4 sec स्क्वायर थीटा अपॉन ये भी हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3 बाय 2, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा अब आपका sec क्यूब, तो डिनोमिनेटर में आपका sec क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया अब 0 टू पाई बाय 4 और यहां पर बचेगा 1 अपॉन sec थीटा डी थीटा, और sec 1 अपॉन sec थीटा का मतलब हुआ cos थीटा, और cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin थीटा, और sin थीटा की मतलब लिमिट जो है 0 से पाई बाय 4 ये आएगा, और sin पाई बाय 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 अपॉन रूट 2 और sin 0 का 0, तो फाइनल आंसर जो है आपका 1 अपॉन रूट 2 आ जाता है। तो हम चेक करते हैं 1 अपॉन रूट 2 किससे मैच करता है, तो हमारा ऑप्शन बी यहां पर ट्रू होगा, ऑप्शन बी 1 अपॉन रूट 2।